यार इस वीकेंड तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, कि कोडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है। चल ठीक है बाद में बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोई हेल्प करूं? माँ प्लीज, एक तो मैं वैसी परेशान हूँ, अब आप मत शुरू हो जाओ। मैं तो सिर्फ ये कोई अचार पापड़ नहीं है जो आप बना दोगे, और आपको पता ही क्या टेक्नोलॉजी के बारे में। दिव्या थोड़ा तमीज से। बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल रही थी। नहीं चाहिए आपकी हेल्प, समझ नहीं आता क्या? ये लॉजिकल पार्ट तो समझ आ गया, लेकिन ये यूआई ढंग से नहीं चल रहा। तेरी डीआईवी की अलाइनमेंट से ठीक नहीं है। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, तुम्हारी अलाइनमेंट्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। एक मिनट माँ, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर रहे हो आप? एक बार कह दिया ना कि नहीं चाहिए हेल्प, जाओ यहाँ से। दिव्या तुझे कितनी बार बोला है माँ से ढंग से बात किया कर। तो मैंने भी तो कितनी बार कहा है कि ये मेरे काम में इंटरफेयर ना करे। समझ नहीं आता है क्या आप लोगों को? लेकिन ये ले। ये क्या है? तेरा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट? थैंक यू सो मच भैया, यू आर माय सेवियर। थैंक यू बोलना है तो माँ को जाके बोल, उन्होंने ही रात भर जाके तेरा प्रोजेक्ट बनाया है। माँ ने? आप झूठ बोल रहे हो ना, माँ कैसे मेरा प्रोजेक्ट बना सकती है? तुझे पता है माँ एक रेप्यूटेबल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और जब तू हुई तो तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। डॉक्टर ने बोला था कि तुझे स्पेशल केयर की जरूरत है, इसलिए तेरा ख्याल रखने के लिए माँ ने जॉब छोड़ दी। माँ ने हमेशा तेरी हेल्प करना चाही, पर तू उन्हें समझ ही नहीं पाई। माँ ने कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि तू किसी गिल्ट में रहे, इसलिए ना तो उन्होंने कभी कुछ बोला ना मुझे कभी कुछ कहने दिया। हम बच्चे भी ना कभी माँ के सेक्रीफाइस को नहीं समझ पाएंगे। एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, और हम बच्चे ना जाने किस घमंड में जी रहे हैं। कितनी बेवकूफ थी मैं। भैया मैं माँ से बात करके आती हूँ। माँ। अरे उठ गई तू? मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। माँ आई एम सो सॉरी। माँ आपने मेरी वजह से अपना करियर सेक्रीफाइस किया, रात भर बैठ के मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, गलती भी बच्चों से ही होती है ना। माँ आप इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो सब? मैंने इतनी बदतमीजी की आपसे, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी नन्ही सी गुड़िया दिखाई दी जो उस वक्त घबराहट में कुछ भी बोल रही थी। मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी।